नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। यहां सरीला क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश होने की वजह से जनपद में 4 लोगों की मौत हो गई है। सरीला तहसील के उपरहंका गांव में बारिश की वजह से राजू दर्जी का कच्चा मकान गिरने से उसकी गर्भवती पत्नी शीलू और बुआ सास की मौत हो गई थी। हादसे के बाद राजू और उसकी चारों बेटियों को बाहर निकाल लिया गया था। 5 दिन बाद SDM जुबेर बेग और जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत ने गांव जाकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। प्राकृतिक आपदा राहत और आवास दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने राहत राशि के रूप में 21,000 रुपये भी दिए। वहीं राठ विधायिका ने 21,000 रुपये की आर्थिक मदद की पेशकश की। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम है राजू। हम तीनों लोग दबे थे। दुर्जी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। सीलू घरवाली ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी कोई सुविधा नहीं मिली है। ये सरकारी सुविधा मिलती तो मेरी आज घटना ना जा होती। आज घटना घटने के बाद में आज की मौका पे देखा संतराम जयंती राजपूत आए, हमको यहाँ आश्वासन दिया है। हमको समझाया कि तुमको सरकारी लाभ मिलेगा। 21,000 रुपया दे गया, हमारे हाथों में बच्चों को हाथ फेर दिया आश्वासन दे के, कहेगा कि मिलेगा सरकारी तुमको लाभ, बेटा तुम चिंता नहीं करना। चूंकि इनको लिस्ट में जो अभी आवास आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा, उनका लिस्ट में पहले ही नाम है, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको आवास नहीं मिल पाया और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। हम लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की है और यहाँ पर प्रशासन को भी कहा है कि जितनी मदद हो सके इनकी सभी सरकारी योजनाओं के द्वारा उनकी मदद की जाए। एक वक्त मौजूद हैं हम हमीरपुर में, जहाँ पर कुछ दिनों पूर्व पहले यहाँ पर बरसात के कारण नदियाँ उफान पर थी, जहाँ पर यहाँ पर तबाही मची रही, जिसके उपरांत यहाँ पर लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते हमीरपुर जनपद में 4 लोगों की मौत हो गई है।